Hello and welcome. Today we will discussing about Lal Dutt, जो एक कश्मीर की बहुत ही फेमस और एस्पेक्टेड क्या थी, पोइट थी. ठीक है, तो जो लल दत्त थी उसका जो बॉर्न जो जन्म हुआ था उसका 1320 में और 1392 में इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी. ठीक है, ये 14th century पोइट, ये 14th century की जो क्या थी, एक शायर थी. ठीक है, तो वाज बर्न इन पदमपुर, जो कहाँ पैदा हुई थी, जे पदमपुर में पैदा हुई थी, नियर पामपुर, जो पामपुर के पास है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है. ठीक है, पुलवामा जो कश्मीर में है. ठीक है, शी इज नोन बाय द वेरियस एप्लीकेशंस, लाइक इसको बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे इसका नाम था लाला, लाल अर्फिया, ललेश्वरी था एंड ललड. ठीक है, तो शी इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड, ये बहुत ही इज्जतदार एंड रिनोव्ड वूमैन. रिनोव्ड वूमैन किसको बोलते हैं बेटा, मशहूर औरत थी, संत पोइट थी ऑफ कश्मीर की. ठीक है, शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 12. इसने कब शादी की थी, 12 साल की उम्र में इसने शादी कर ली थी. बट हर मैरिड लाइफ प्रूव्ड अनहैप्पी, मतलब इसकी जो मैरिड लाइफ थी, जो शादीशुदा इसकी जो जिंदगी थी, उसने ये साबित किया कि ये क्या थी, नाखुश थी. एंड शी लेफ्ट हर इन लॉज, उसने अपने ससुराल छोड़ दिए थे क्योंकि उनसे क्या थी, ये नाखुश थी. ठीक है, एट द एज ऑफ 24 टू टेक सन्यास, और इसने 24 साल, 24 एज, जब ये 24 साल में पहुंची तो इसने सन्यास ले लिया था. ठीक है, तो शी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सवेती एंड सूफी स्कूल्स ऑफ थॉट, जे जो सूफी स्कूल होते हैं, है ना, उनके थॉट से जे बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड थी, है ना. शी गेव अप अवर्डली प्रस्वेंट्स एंड प्लेजर टू नो गॉड. She not only became a mystery of the Kashmir Saviti secret. इसने क्या किया था, ये कश्मीर में सिर्फ रहस्यवादी पोट्री ही नहीं की, इसने क्या किया, बट आल्सो ए सूफी संत, क्या ये क्या थी, एक सूफी संत भी थी. सी क्रिएटेड द मिस्ट्री पोइट कॉल बक्स बक, इसने क्या किया था, और भी पोट्री इसने बनाई थी, कौन कौन सी, जिसका नाम बक है. मिस्ट्री किसको बोलते हैं, रहस्यवादी को. तो लिटरली सेइंग आर स्पीच इज बाक कंटेनिंग 4 लाइन, जो बाक इसने शायरी की थी उसमें क्या थी, 4 लाइनें थी. इन ए शॉर्ट पोइम स्ट्रक्चर अराउंड ए थीम पॉपुलरली नोन एज लाल वक्स, और इसमें क्या था कि ये शॉर्ट पोइम स्ट्रक्चर था इसका, छोटी सी पोइम थी जिसमें 4 लाइनें थी, और इसको, इस पोइम को किसके नाम से जाना था, लाल लल बक्स से जाना जाता था. हर पोइट्री इज कंसिडर द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन द कश्मीर लैंग्वेज, इसकी जो पोइट्री थी उसको ये कंसिडर किया था कि ये कश्मीर की क्या है, कश्मीर लैंग्वेज की ये क्या था, कंपोजिशन है. ठीक है, एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, और इसने क्या किया था कि जो कश्मीर का जो लिटरेचर है ना, उसकी हिस्ट्री में इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था. हर बाक रिप्रेजेंट द बेस्ट टीचिंग फॉर मैनकाइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो इसने बेटा बोला है कि जो इसकी जो शायरी थी बाक, उसने क्या किया, क्या रिप्रेजेंट किया कि ये बेस्ट टीचिंग है. ठीक है, बेस्ट टीचिंग किसके लिए है, फॉर मैनकाइंड, इंसान जाति के लिए ये बेस्ट टीचिंग है इन द मॉडर्न वर्ल्ड में. ठीक है, तो क्लास इज ओवर, टाइम इज ओवर, बाकी हम कल करेंगे.